आपको बता दें एक दुखद खबर, बड़ी खबर, बादशाहपुर से विधायक हैं राकेश दौलताबाद, हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया है। बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है और बेहद दुखद खबर चुनाव के बीच में ये सामने आई है, राकेश दौलताबाद की हार्ट अटैक के कारण उनके निधन की खबर सामने आई है। बादशाहपुर से वह विधायक हैं लेकिन अचानक से अभी उनसे जुड़ी ये बड़ी खबर, हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया है। हितेंद्र, बेहद दुखद खबर। बिल्कुल, निर्दलीय उन्होंने पिछला चुनाव जीता था और लगातार उनकी क्षेत्र की अगर बात करें तो बादशाहपुर क्षेत्र में भी काफी अच्छी पकड़ रही है और अब सरकार का भी समर्थन वो कर रहे थे, तो ऐसे में एक बड़ी दुखद ये खबर है क्षेत्र के लिए भी। बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद की हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया है। बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद अब इस दुनिया में नहीं रहे। दुखद खबर ये सामने आई, 45 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। देखिए, महज 45 साल की उम्र में राकेश दौलताबाद का निधन हो गया है। देखिए, हालांकि उनके बीमार होने जैसी कोई खबर, ऐसी खास कोई खबर नहीं आई थी हितेंद्र, जितना हम जानते हैं अचानक से ये खबर सामने आना कि हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया है, वाकई में ये दुखद खबर है चुनाव के बीच में। और ये जिस तरह की खबर सामने आई है, एक दुखद खबर ये आई है जहां 45 साल की उम्र में राकेश दौलताबाद का निधन हो गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें, बादशाहपुर से विधायक है राकेश दौलताबाद और बताया अभी यही जा रहा है कि हार्ट अटैक आने की वजह से निधन हुआ है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवाड़ी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बेहद दुखद ये खबर सामने आई है हार्ट अटैक की वजह से निधन की। बिल्कुल, ये एक बड़ी दुखद खबर आई है। देखिए, लोकतंत्र का पर्व है और सभी लोग मतदान में अपनी भागीदारी कर रहे हैं और इसी बीच इस तरह का एक दुखद संदेश आना अपने आप में ही काफी, देखिए, उस परिवार के लिए एक संवेदना की बात है जरूर। और राकेश दौलताबाद एक तरह से युवा विधायक जिन्हें कहा जाएगा और काफी कम उम्र में उन्होंने बड़ी अचीवमेंट हासिल की और इस समय वे निर्दलीय के तौर पर, देखिए, उन्होंने जो बादशाहपुर से चुनाव जीता और उसके बाद से वे लगातार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिए हुए थे, तो एक बड़ी ये एक दुखद स्थिति उस परिवार के लिए भी और तमाम जो लोग राजनीतिक तौर पर जो उनसे किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे वे भी अपना शोक प्रकट कर रहे हैं और उनका निधन जो है वो हार्ट अटैक से हुआ बताया गया है। जी, जितना हम समझते हैं जानते हैं अमित, इस तरह की पहले तो कोई खबर आई नहीं थी कि वो बीमार चल रहे हैं, ऐसी कोई खबर हमने सुनी भी नहीं थी और जिस तरह से बताया जा रहा है कि अचानक से उनको हार्ट अटैक आया और इतनी बड़ी खबर सामने आ गई। बिल्कुल, ये इस तरह की जो आकस्मिक जो इस प्रकार की जानकारी एकाएक सामने आए और सभी लोग जो है वो इस दुखद खबर से हिल गए क्योंकि एकदम स्वस्थ व्यक्ति का इस प्रकार से अकस्मात पलायन कर जाना और हार्ट अटैक, देखिए हार्ट अटैक की स्थितियां जो लगातार इस तरह के समाचार आ रहे हैं और खासतौर पर जो 40 से लेकर 60 का जो ग्रुप है उसमें इस तरह के ज्यादा समाचार मिल रहे हैं। कहीं बड़ी ऐसी हस्तियां हैं जिनके साथ इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है और अब यह है राकेश दौलताबाद के साथ इस प्रकार का दुखद हादसा हुआ और वे जो उनका निधन हो गया, तो अपने आप में एक बड़ी दुखद है। राजनीतिक गलियारों में इस बात का बड़ा एक संवेदना व्यक्त कराई जा रही है उनके परिवार के सदस्यों के प्रति और दुख जताया जा रहा है क्योंकि काफी जो देखिए नाम बनाया और वे निर्दलीय का चुनाव जीतकर आए और हरियाणा में जब सरकार बन गई थी, सरकार का गठन हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देने साथ देने का उन्होंने काम किया और अभी भी जब देखिए कांग्रेस के साथ 3 निर्दलीय विधायक चले गए थे उस समय राकेश दौलताबाद का नाम भी आ रहा था लेकिन उन्होंने जो है कांग्रेस का समर्थन नहीं किया, वे भाजपा के साथ डटे रहे और भारतीय जनता पार्टी की लगातार वे चाहे उन्हें कोई अगर मंत्री पद की बात करें या कोई भी ऐसा मौका आया तो उन्हें नहीं मिला हालांकि, लेकिन फिर भी वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ डटे रहे और गठबंधन टूटा उसके बाद भी उनकी स्थिति वैसी ही रही और बिना शर्त ही उन्होंने समर्थन दिया लगातार, वे भी इसी बात को कहते रहे और उनके इस दुखद भरी आज जो आया है उनकी जानकारी उसको लेकर तमाम राजनीतिक गलियारों में शोक की एक जो लहर बताई जा रही थी। बिल्कुल, सुबह सवेरे से क्योंकि अमित लगातार लोकतंत्र का महापर्व का जिक्र किया जा रहा था, बड़ा हर्षोल्लास के साथ लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे और दिग्गज नेता भी इसी तरह की अपील करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इसी दिन आज जब एक तरफ देश की सरकार चुनी जा रही है तो वहीं विधानसभा क्षेत्र बादशाहपुर के लोगों के लिए भी एक
बड़ी ये खबर है, दुखद खबर है कि उनका जो जनप्रतिनिधि उन्होंने जो चुना था 2019 में युवा ही थे, बहुत ज्यादा उम्र नहीं, 45 साल की महज उम्र इनकी, और आज ये इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आप अमित जी बिल्कुल, छोटी सी उम्र में ही बड़ी उन्होंने जो अपनी राजनीतिक बुलंदियों को छुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस प्रकार की जानकारी मिलना और तमाम जो लोग हैं जो इस प्रकार का जो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, ऐसा इस खबर पर किसी को विश्वास भी नहीं हो रहा है कि ऐसी दुखद खबर एकदम से आ जाएगी। और खासतौर पर उनके वाटापुर के लोगों के लिए, देखिए वो प्रिय थे, लोकप्रिय विधायक थे वहां के, और एक बड़ा एक संघर्ष के बलबूते अपना मुकाम हासिल करने वाले, तो उनके लिए ऐसा समाचार आ रहा है वो काफी दुखद समाचार है। उसको तमाम लोग जो है वो संवेदना व्यक्त अपनी कर रहे हैं। बड़ी खबर है, दुखद खबर है, और राकेश दौलताबाद अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बादशाहपुर से विधायक जो कि जिसमें गुरुग्राम का लगभग 70% हिस्सा आता है, ऐसी सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे 2019 में, बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक चुने गए, और अब 45 साल की उम्र में उन्होंने अपना जीवन जो है वो उनका जीवन समाप्त हुआ, और आज उनके निधन की जानकारी सामने आई है। हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया है। एक तरफ चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है सभी 10 की 10 सीटों पर, और इसी बीच ये दुखद खबर सामने आई।